दरअसल ये उपन्यास आपके संज्ञान में इसलिए लाना भी आवश्यक है कि ये वैदिक काल से और 500 ईसा पूर्व से इधर 1950 तक के कालखंड में फैला हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका कैनवास बहुत बड़ा है और शास्त्रीय संगीत की निर्मिति और उसके विकास की एक कथा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि समानांतर रूप से इसमें एक प्रेम कथा भी चलती है। ये उपन्यास अपने टाइम और स्पेस में पाणिनि, भरत, हरिवंश, मातंग मुनि, कुटुमिया मलाई, टैगोर से संगीत के घरानों का एक इतिवृत्त है। लोक से लेकर शास्त्री की एक अविराम यात्रा में लेखक का जो ज्ञानात्मक संवेदन है वो एक बड़ी फिल्म की तरह या फिर एक बड़ी चित्र श्रृंखला की तरह अपने राग समय को उपन्यास में आख्यान के साथ आगे बढ़ाता है। लेखक देवाशीष का प्रतिरूप है और षडज और पंचम के स्वर जीवन के बीच गांधार की सूक्ष्म छाया को चीनता हुआ वो अपनी लेखन यात्रा घर से शुरू करता है और उसके बाद जिस गुरुकुल में जाकर वो पढ़ता है वहाँ 6 कक्ष हैं, आसावरी, विहाग, मल्हार, काफी, मालकोंस और भैरवी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एम्बियंस में भी प्रकृति का संगीत भी है और शास्त्रीय संगीत का वो वातावरण भी है जहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो स्वर अभ्यास करते हैं जो गुरुजी हैं अत्रे जी के सत्संग में। शुक्ल पक्ष की रात्रि थी और खिड़की से चंद्रमा की स्निग्ध चांदनी छन छन कर आ रही थी। उसमें रागमाला के चित्र अलग अलग कोणों से आलोकित हो रहे थे, कुछ प्रकाश में और कुछ छाया में। हम लोग बहुत देर तक पूरी यात्रा के बारे में बातें करते रहे, फिर पता नहीं कब आंखें लग गईं। देर रात गए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिरहाने कोई बैठा है। मैं सोच ही रहा था कि उसने मेरे माथे को स्पर्श किया। यह किसी स्त्री का स्पर्श था, स्मृति तो पास ही गहरी नींद में थी, तो यह किसका स्पर्श था? तभी वो स्त्री झुकी और उसने मेरे माथे पर हल्का सा चुंबन लिया। मैं कुछ बोलता उसके पहले ही उसने कहा, मैं गुर्जरी, अभी दोपहर में ही तो आपसे मुलाकात हुई थी, पर तुम तो चित्र में थी। हाँ, पर जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनसे मिलने चित्र से बाहर निकलकर उनके पास चली आती हूँ। तो मैं तुम्हें अच्छा लगा? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में शरारत भरते हुए कहा, हाँ, मुझे उससे बात करना अच्छा लग रहा था। मैंने पूछा, तुम तो राजा मानसिंह के यहाँ रहती थी? नहीं, मैं गुजरात की हूँ, गुर्जर प्रतिहारों के यहाँ रहती थी। मेरी ये 2 सखियाँ मालती और आंध्री हैं जो मालव और आंध्रा लोगों के यहाँ रहती थी। मैंने देखा कि 2 और सुंदर स्त्रियाँ मेरे आसपास बैठी थीं। उनमें से एक ने कहा, पहले हम सुरग्राम में रहते थे, मेरी एक पूर्वज का नाम षडजी था जो षडज ग्राम में रहती थी और एक दूसरी का नाम गांधारी, इसकी बहन का नाम ऋषभी था जो गांधार और ऋषभ सुरों से उपजी थी। फिर हम लोग समूहों में बस गए। हिंदी साहित्य का संगीत से बड़ा गहरा संबंध रहा है और भक्तकाल के अगर आप कवि देखें, चाहे वो कबीर हो जाएं, चाहे वो सूरदास हो जाएं, उन्होंने अपने पदों की रचना के साथ साथ जो है वो रागों तक के उन्होंने नाम दिए हुए हैं। अगर आप उनके पद अगर पढ़ेंगे आप तो साथ में कोने में राग भी लिखा हुआ है कि किस राग में जो है उस पद को गाना है। आधुनिक काल में जब 1943 में जब अज्ञे ने जब 7 कवियों का संपादन किया तार सप्तक, तो उन्होंने संगीत की ही शब्दावली से जो है वो तार सप्तक शब्द का उन्होंने अपने एक तरह से उस पुस्तक का उन्होंने नाम रखा, संपादित पुस्तक का। तो ये एक तरह से जो हिंदी साहित्य का एक पारंपरिक जो संबंध है संगीत से, उसको ये जो है वो ये रचना जो है वो एक तरह से फिर से उसको जो है वो पुनर्जीवित करती है। संगीत ने मनुष्यता की मूलभूत चेतना के विस्तार के साथ अध्यात्म का आलोक भी दिया, जिसे पृथ्वी के विभिन्न खंडों में मानव समूहों ने अपनी अपनी तरह अपनाया और विकसित किया।
भारत में संगीत का आध्यात्मिक पक्ष ज़्यादा प्रबल रहा। इसे सामवेद के सामगान से सामगान में बेहतर तरीके से पाया जाता है। तब से हम संगीत के विकास के क्रम में शोध और अनुसंधान की परंपरा को भारतीय वाङ्मय में लगातार पाते हैं, लेकिन समय को लेकर हमारे पुरखों द्वारा निर्धारित की गई भारतीय अवधारणा ने इतिहास लेखन को खास तवज्जो नहीं दी और परिणाम स्वरूप सहस्राब्दियों से चले आ रहे समाज का ना तो राजनीतिक इतिहास मिलता है जैसा कि पश्चिमी देशों में, और ना ही पिछले जीवन और संस्कृति के विविध प्रसंगों और मुकामों का क्रोनोलॉजिकल विवरण। जो कुछ विद्यापीठों में रखे जाने की कोशिशें हुई वे भी बाहरी आक्रमणकारियों की लूटमार और फसाद में नष्ट हो गए। फिर भी कुछ बच सका, कुछ बचाया जा सका, जिसमें भारतीय विद्वानों और कलाकारों की मौखिक ज्ञान परंपरा और पद्धति के अलावा विदेशी लेखकों और कला प्रेमियों का बहुत हाथ है। मुझे याद आ रहा है मनोज रूपड़ा की एक कहानी साज नासाज, जिसमें एक पूरा यंत्र ही गायब हो जाता है, उसकी जगह एक दूसरा मशीनी उपकरण आ जाता है। तो दरअसल किसी वाद्य का गायब हो जाना, विलुप्त हो जाना, केवल उस वाद्य का विलुप्त होना नहीं है, वह उस पूरी परंपरा का, उस वाद्य को बजाने वाले साजिंदे जो हैं उनका एक तरह से हमारे जीवन से, हमारे समाज से विलुप्त होते जाना है। इसलिए इसमें जो यात्रा है, जो देवाशीष यात्रा करता है, वो दरअसल उसकी खुद की भी एक अंतर यात्रा है। इसीलिए वो उस मोनोग्राफ के जो रागमाला के चित्र हैं, उन रागमाला के चित्रों से डॉक्टर चक्रवर्ती से एक अनुमति लेकर के और वो घूमता है। तो जहाँ जहाँ वो जाता है, केरल में पणिक्कर गुरु के पास, या पुणे में नारायण राव के पास, या कलकत्ते में जिसकी ओर जिसका अंश पढ़ा उन्होंने रियाजुद्दीन साहब के पास, तो ये सारे दरअसल लगते हैं उपन्यास में पढ़ते हुए कि यह वास्तविक किरदार हैं।